वालेकुम, हम आपके खिदमत में फिर से हाजिर हैं। सो यस, यू कुड सी बैक साइड ऑफ मी अबूजबी सिटी। सो सोचा कि चलो आपको नाइट व्यू यहाँ का दिखा दूँ कि यहाँ की रातें कैसी होती हैं। सो आप देख सकते हैं मेरे पीछे अबूजबी सिटी में हो। इट्स अ लवली व्यू, आप देख सकते हैं। ये जगह देख रहे हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं अरबी में कसर अल हसन। ओके, ये अल हसन पैलेस है। सो रात का टाइम है, इंशाल्लाह मैं इसके लिए एक दिन स्पेशली इसके लिए व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए जो है मुझे दिन का टाइम आना पड़ेगा। इंशाल्लाह इसके लिए मैं एक दिन मुख्तस करता हूँ, तो आपको इंशाल्लाह मैं कसर अल हसन अंदर से दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं वहाँ पर अबू धाबी टावर्स जो है वहाँ पर कसर अल हसन के कुछ बाहर के मनाजर्स हैं। सो यहाँ से जो है आगे की तरफ से इंटरेस्ट होगा, लेकिन इंशाल्लाह इसको मैं किसी और व्लॉग में बनाता हूँ। और यहाँ पे स्पेशली यूएई में अभी तो ईद से कुछ ही दिन बाकी हैं, 2 से 3 दिन बाकी हैं ईद से, और यहाँ पे कुछ ईद के मनाजर हमें नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ की तरह पाकिस्तान इंडिया वगैरह की तरह नहीं है कि यहाँ पर जानवर हम रोड पर बांध सकते हैं या घरों के सामने, यहाँ इस तरह का कोई सीन नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि स्लॉटरिंग हाउस होते हैं, किसी जगह से आप जाके मवेशी जो होती है आप मतलब जो ख़रीदना चाहते हैं कुर्बानी के लिए, आप उसको ख़रीद के सिर्फ स्लॉटरिंग हाउस में ले जाते हो, जहाँ पे इसको ज़िबा किया जाता है या चूरा पेरा जाता है, तो वहीं से सिर्फ उसको 4 पीसेस में करके आपको बाहर दिया जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि किस तरह कटा है, किसने काटा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक तरीके से होता है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक तरीके से इसको हलाल करके ज़िबा करके आप तक पहुँचाया जाता है। और एक ऐसा भी सिस्टम है कि आजकल ऑनलाइन भी लोग कुछ ज़्यादातर परचेज़ करते हैं, आप ऑनलाइन भी बकरा वगैरह परचेज़ करके, यहाँ पर ज़्यादातर बकरा ही परचेज़ करते हैं लोग, बकरा ऑनलाइन परचेज़ करके आपके घर तक जो है डिलीवर किया जाता है, वो भी 4 पीसेस में करके ईद वाले दिन आपके घर में पहुँचाया जाता है। सो यहाँ पर यह कि ईद उल अज़हा के जो है सीन्स, जो फीलिंग्स आती है ना कि हाँ हम ईद में एंटर हो चुके हैं, वो वाली फीलिंग्स आपको ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ में नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सफाई वगैरह का ख्याल रखते हैं। सो इनका ये चॉइस है। सो वीडियो अप्रिशिएट, हमें हर किसी का जो चॉइस है इसको पसंद करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ये जो अल हसन पैलेस है, मैं इसके बारे में कुछ आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये मैं इसको आपको कैप्चर करके दिखा रहा हूँ, लेकिन तो बहुत बड़ा है ये भी, इसका कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह भी चल रहा है, इसको रिन्यू कर रहे हैं एक तरह का। ये जो है अबू धाबी का, जो यहाँ का यूएई का जो कैपिटल है, इसके सबसे पुराने जगहों से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा पहले सहरा था, डिज़र्ट था, तो यहाँ पे सिर्फ ये हुआ करता था, जो कि इसमें जो रॉयल फैमिलीज होती थी, जो यहाँ की रॉयल फैमिली थी, वो यहाँ पे स्टे करते थे, और सामने जो है साहिल समंदर तक कॉर्निश था, तो यहाँ से जो है इस पैलेस से इनको जो है समंदर बिल्कुल साफ़ नज़र आता था, क्योंकि कुछ होते नहीं थे, चंद कुछ यहाँ पे किले होते थे जो पुराने दौर में होते थे, जो मिट्टी के घर बनते थे। मैं आपको दिखा दूँ एक सेकेंड इस तरह के। अब खैर, इसको तो मेनटेन किया जाता है, ये वो तो नहीं है, पर उसी को जो है मेनटेन और रिन्यू करते रहते हैं। सो ये उन्हीं में से एक है, सो इसीलिए इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है, और इसमें जो है फंक्शंस वगैरह फेस्टिवल्स अक्सर साल में इनकाद किए जाते हैं। सो इंशाल्लाह इसके लिए मैं अलग से व्लॉग आपके लिए बनाता हूँ। सो देख सकते हैं इतना प्यारा व्यू है इसका, और यहाँ से चंद ही मिनट के फासले पे सामने कॉर्निश है, समंदर है कुछ ही फासले पर, तो यहाँ पर लोग अक्सर इसके ऊपर चढ़ के बस इसके ऊपर लोग चढ़ के जो है समंदर देखते थे। ईद के कुछ डायलॉग्स मुझे याद है, ईद के दिनों में, ईद से कुछ दिन पहले लोग अक्सर ये डायलॉग्स करते थे, अरे भाई इस साल तो जानवर कुछ ज़्यादा ही महंगे हो गए। एक ये डायलॉग मुझे अच्छा सा याद है पाकिस्तान में जब मैं था, और दूसरा जो डायलॉग है अक्सर लोग जो है जैसे एक दूसरे को देखते हैं, अरे भाई कितने का लिया, सुजुकियों में भरे हुए जानवर और माशाल्लाह ट्रकों में, तो एक बड़ा अच्छा सा एक फीलिंग्स इन्वायरमेंट ईद वाले मिलते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं जहाँ भी बंदा रहे, जिस माहौल में रहे, उसको एंजॉय करे, अल्हम्दुलिल्लाह आप वहाँ पे ईद इंशाल्लाह एंजॉय करें अच्छा सा, और हम यहीं पर इंशाल्लाह एंजॉय करते हैं। सो आई होप सो कि आपका ईद इंशाल्लाह अच्छा गुजरे, और आप बताएं कि कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं कि इस साल कुर्बानी में आप कौन सा जानवर ले रहे हैं और कितने का लिए, ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बता दें। हमने एक
कैफेटेरिया है, तो सोचा कि वहाँ से सैंडविच ले लूँ। आज शॉर्मा खाने का दिल कर रहा था क्योंकि भूख तो इतनी लगी हुई नहीं है तो, और ये लाइट होती है तो सोचा चलो दो सैंडविच शॉर्मा लेके और मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ उसका रिव्यू। एक दोस्त ने इसके लिए कहा था कि आप इसका शॉर्मा ट्राई कर लें, बड़ा फेमस है, छोटी सी जगह है कैफेटेरिया, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे इसके बारे में रेकमेंड किया कि आप इसको ज़रूर ट्राई कर लें। ये कैफेटेरिया अबू फहद, अबू फहद कैफेटेरिया आप देख सकते हैं। ईद को मुबारक, ऐसा मिला हुआ था। ओके, मैंने ईद की खुशी में जो है लाइटिंग वगैरह लगवाई है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ओह इसी वन सेकेंड आपको दिखाते चलें। हाय हाउ आर यू, माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं येलो कलर का इतना खूबसूरत क्यूट लग रहा है। हेलो व्यूअर्स से हेलो कहना, मेरा ऑर्डर तैयार हो गया, मैंने लिया एक बीफ शॉर्मा और एक चिकन शॉर्मा, इंशाल्लाह कहीं भी बैठ के आपके साथ शेयर करता हूँ। सो यहाँ किसी पार्क में पहुँच चुका हूँ, अब देखता हूँ कोई जगह ढूँढता हूँ बैठने के लिए। जगह ढूँढते ढूँढते हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं स्टारबक्स वगैरह भी यहाँ पर। सो यहाँ पर बैठ के लेट्स सी, हमारे पास ये पिकल्स हैं और ये चिकन शॉर्मा है और ये है बीफ शॉर्मा। तो सबसे पहले इसका चिकन शॉर्मा ट्राई करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि इसका टेस्ट कैसा है, उसके बाद इंशाल्लाह बीफ शॉर्मा ट्राई करते हैं। फर्स्ट बाइट लेते हैं। ज़बरदस्त लश माशाल्लाह, आला बहुत ही टेस्टी शॉर्मा, लाजवाब। पिकल ट्राई करते हैं और लेट्स ट्राई। खटास ज़्यादा इसमें, बच्चे खेल रहे हैं कुर्सी, बहुत प्यारा व्यू है माशाल्लाह और चांद कुर्सी। चिकन शॉर्मा का लास्ट बाइट लेते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह बीफ शॉर्मा ट्राई करते हैं। इसका जो टेक्सचर है और उसके अंदर जो चिकन की क्वांटिटी है और तहनी है, लाजवाब। अब बारी है बीफ शॉर्मा की, इसमें टोमेटो भी है और प्याज वगैरह भी इसमें नज़र आ रहे हैं। सो या लेट्स ट्राई। बीफ का तो अपना ही मज़ा, वाकई चिकन को फेल कर दिया उसने तो। और इसके अंदर जो टोमेटो है और सॉसेज और सलाद वगैरह, बहुत ही उम्दा टेक्सचर है। बीफ का इतना बेहतरीन जायका आ रहा है, उसमें अरबिक स्पाइसेस मुझे महसूस हो रहे हैं, बहुत ही उम्दा माशाल्लाह, ज़बरदस्त, क्या ही बात है। लेट्स कंटिन्यू। बहुत आराम, डिनर तो हो गया लेकिन अब इसके बाद क्या, आप तो मीठा खाना है ना, अब इसके बाद चलते हैं मीठा खाने के लिए। मे बी आई विल ट्राई आइसक्रीम और सम चॉकलेट, सो देखते हैं कहीं पे जाके देखता हूँ कि क्या पसंद आता है। आई विल ट्राई मे बी आइसक्रीम क्योंकि गर्मी है, सो आई थिंक दैट विल बी बेस्ट। ओके, मिलता हूँ आपसे आइसक्रीम के साथ। फाइनली ग्रोसरी के पास पहुँच गए हैं, सो आइसक्रीम लेते हैं इंशाल्लाह। Yes, this is what I want. Okay, let's go. तो मैंने ये वाला आइसक्रीम लिया है, लेट्स ओपन इट, इसको जल्दी खा लेता हूँ कहीं पिघल नहीं जाए गर्मी की वजह से। मज़ा आ गया, इट्स नाइस। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसा बंदर नहीं होगा जिसको आइसक्रीम पसंद नहीं होगा, और आइसक्रीम खाने का कोई उम्र नहीं होती है, चाहे छोटा हो या बड़ा, सब लोग खाते हैं माशाल्लाह। और जाते जाते एडवांस में आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से ईद मुबारक। सो यहीं पर व्लॉग को ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।